और भारत आज दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास जिसके युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन में है, इसीलिए तो बुजुर्ग लोग शादी कर रहे हैं। अरे नहीं, मैं नाम क्यों लूं किसी आदमी, पर अखबार तो सारे लोग पढ़ते हैं ना, डिप्रेस आदमी से कौन शादी करेगा। और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम जब भी ऊपर उठोगे तो ये ग्रेविटी तुम्हें नीचे खींचेगी ना, ऐसे समाज की ग्रेविटी है। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो, अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी, बोले आईएएस, फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी, अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। तो मैंने कहा सोच रहे हवाई जहाज खरीद लो, अरे कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। और वो योगदान क्या है सबसे बड़ा, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, हमेशा हर चीज में अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम ही करोगे। मैं जब सेमिनार लेने निकलता हूं तो आमतौर पर उनसे बात कर लेता हूं, कोई भी मैच हो तो जब मैच खेलने आप उतरते हो ग्राउंड पे तो हर मैच में एक फीलिंग तो रहती ही है। मैं उनसे बोलता हूं कि यार सेमिनार है, हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम एक दिन यूएन में भी बोलोगे। और वो चीज इतनी उत्साहित कर देती है। तो मैं सब लोगों से यहां रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग और ध्यान से जरूर जुड़े। ध्यान किसी धर्म का नहीं है, उस ध्यान पर किसी धर्म विशेष की मोनोपोली नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब है अपने मन को समझना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये पढ़ने ही नहीं देता होगा। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है, अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है।